सबको वो नशा लगने लगा, शरीर कामने लगा, फिर कंट्रोल ही नहीं हुआ, संयमित ही नहीं हुआ, सब लोग उठ के कोई गाने लगा। स्वागत है आप सभी का, आप लोग देख रहे हैं बुदास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में आग ही आग जल रहा है, तो ऐसे आग जल रहा है किस बात पे आनंद लेते हो, किस बात पे हंस रहे हो, चारों तरफ तो अंधकार फैल चुका है, तो उजाले की तरफ क्यों नहीं जाते, उजाले की तरफ क्यों नहीं बढ़ते। तथागत बुद्ध कहते हैं, तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय एक ये कहानी एक कहानी की वजह से तथागत बुद्ध ये गाथा कहते हैं। अभी वो कहानी कैसा है, श्रावस्ती नगर, उन समय में वो श्रावस्ती नगर बहुत ही संपन्न, बहुत ही घना आबादियों से भरा हुआ शहर, उन समय में ही 7 करोड़ लोग वो श्रावस्ती नगर में रहते थे, उनमें से भी 500 करोड़ लोग तो बुद्ध के उपासक उपासिकाएं थे, मतलब तम में आगे बढ़ने वाले उपासक उपासिकाएं थे। इतने बड़े आबादी के ये श्रावस्ती नगर, उन दिनों के कोसल देश के राजधानी, जब से श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन ने जेतवन बुद्ध विहार दान दिया, विशाखा महाउपासिका ने पूर्वाराम विहार दान दिया, तो तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार के केंद्र बिंदु यही श्रावस्ती नगर को बना दिया। श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन हर दिन 1000 भिक्षुओं के लिए आसन बिछा के रखते थे, नाश्ता के लिए, भोजन के लिए। उसी तरह विशाखा महाउपासिका भी अपने घर में 500 भिक्षु संघ के लिए आसन बिछा के रखते थे, सुबह नाश्ता, दोपहर के भोजन, है ना, और शाम का गिलान प्रत्यय, ऐसे के लिए इतना दान करते थे। और श्रावस्ती में बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे तो यही अनाथ पिंडिक महाजन को या विशाखा महाउपासिका को बोल के नेतृत्व करने देते थे, नेता जैसा, जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे वो लोग जाके ऐसा करो वैसा करो ऐसा बोलने वाला। तो श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक महाजन भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, विशाखा उपासिका भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और वहां बहुत सारे उपासक उपासिकाएं, बहुत सारे बुद्ध धम्म मानने वाले भी बढ़ रहे थे। श्रावस्ती नगर में एक समय 500 कुल पुत्रों ने सलाह करके ये निश्चय किया कि हमारे अपने अपने पत्नियां, हाँ वो लोग भी अच्छा होना चाहिए, वो लोग भी सिलवान होना चाहिए, वो लोग भी अप्रमादी होना चाहिए, वो लोग भी अच्छा होना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं अपने अपने पत्नियां, मतलब 500 अपने पत्नियों को विशाखा उपासिका, जो विशाखा महाउपासिका है ना, उनके साथ लगा देते हैं, उनके साथ साथ ही घूमने जाएंगे, उनके साथ साथ ही बिहार जाएंगे, उनके साथ साथ ही धम्म देशना सुनेंगे, इससे हमारे अपने बीवियां भी अच्छे होंगे, अप्रमादी होंगे, शीलवान होंगे, तो हम विशाखा महाउपासिका के साथ लगा देते। सबको लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, घर में अपनी बीवी अच्छी रही तो घर ही स्वर्ग जैसा बनता है, और वो पत्नियां अगर सीलवान रहा, गुणवान रहा, श्रद्धावान रहा, अप्रमादी रहा, तो कितना अच्छा रहेगा। हाँ ये ठीक है, चलो अभी विशाखा महाउपासिका को हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग जाके विशाखा महाउपासिका को प्रार्थना किया कि आपके साथ साथ हमारे बीवियां भी रहेंगे तो आपके साथ साथ धम्म देशना सुनेंगे, अच्छे जगह पे जाते रहेंगे तो कल्याण होगा, हमारे बीवी भी अच्छे होंगे, तो आप अपने साथ रखिए। तो विशाखा उपासिका ने कहा ठीक है ना, ये तो अच्छी बात है,
मेरे साथ रह के ये लोग भी बुद्ध का उपदेश लेंगे, संघ का सेवा करेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, ठीक है रहने दो। अब क्या हुआ, हर दिन वो 500 जो अभी सहेलियां है ना, वो 500 कुलपुत्र के बीवी मतलब 500 से पत्नी हो गया, 500 मित्र मिलके विशाखा उपासिका के पास आती और विशाखा के साथ बगीचे में घूमने जाना है, बिहार में घूमने जाना है, संघ का सेवा करना है, बुद्ध का उपदेश सुनना है या भिक्खु संघ का उपदेश सुनना है, साथ साथ में ही जाने लगे, यहाँ वहाँ जाने लगे। अभी सेवा तो कर रहे थे, धम्म के मार्ग पे चल रहे थे, मगर उन लोगों का वैराग्य धम्म उत्पन्न नहीं हो रहा था, इसलिए ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। तो ऐसे में दिन चल रहा था, तो एक समय आ गया कि श्रावस्ती में 7 दिन का बड़ा उत्सव आ गया। अभी उत्सव बोले तो, त्योहार बोले तो, लोग प्रमाद में मत होना, दारू नशा सेवन करना, ऐसे ही चलता था। तो अभी ऐसा त्योहार आ गया, उत्सव आ गया करके वो 500 लोग भी अपने अपने घर में चले गए। हाँ, अभी घर में भी देखना है, त्योहारों में घर में भी देखना है, तो 500 लोग विशाखा उपासिका को कह के हम अपने घर में जाएंगे करके गए। सब लोग अपने घर में गए, 7 दिन तक घर में खूब त्योहार मनाया, सबने खूब मस्त होके खाया पिया मजे किया बहुत किया। 7 दिन हो गया, 7 दिन होने के बाद उनके अपने अपने पति काम पे गए, काम पे जाने के बाद वो लोग एक जगह जमा हो गया। अब जमा होने के बाद वो लोग बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, देखो हमने 7 दिन अपने घर में बहुत सेवा किया, अपने पतियों का भी सेवा किया, उन लोगों को खूब प्रमाद दारू नशा भी पिलाया, वो लोग बहुत अच्छे से रहे, पर उन लोगों की डर से, पतियों के डर और भय की वजह से हमने कभी नशा नहीं किया, हमने दारू नहीं पिया, हमें वो सुख मिला ही नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, अभी वो लोग तो काम पे गए, हम 500 लोग मिलके जो बचा खुचा है दारू नशा जो बचा खुचा है हम पियेंगे, ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा। तो सबने बोला हाँ, अपने अपने पति तो वो 7 दिन तक पी के खा पी के बहुत मजे से रह रहे थे, मजा भी आ रहा होगा, चलो हम भी अनुभव करेंगे, हम भी अनुभव करेंगे तो कैसे करेंगे। तो उन लोगों ने एक योजना बनाया, चलो अभी हम सब मिलके विशाखा उपासिका को बोलेंगे कि हम उद्यान में घूम के आएंगे, बगीचे में हम ही घूम के आएंगे, अनुमति लेके हम वहीं जाके मजे करेंगे, ठीक है बोला। वो लोग 500 लोग गए और बोला कि महाउपासिका हम उद्यान क्रीड़ा करके आते हैं, बगीचे में घूम के आते हैं। तो विशाखा भी ठीक है करके अनुमति दे दिया। तो वो लोग फिर सब वहाँ गए, छुपा के लाया था दारू नशा, सब बगीचे में बैठ के सब लोग पीने लगे। हाँ, अब पीते पीते मजा आ गया। हाँ, वैसे पी के वहाँ झूमने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, चिल्लाने लगा, अब पीने के बाद क्या हाल होगा, और कभी न पीने वाले कभी कभी पियेंगे तो और क्या होगा, हैं? ऐसे ही चिल्लाने लगा, ऐसे ही नाचने लगा, झूमने लगा, ये वो करने लगा, 500 लोग बगीचे में ऐसे करने लगा तो क्या होगा। फिर ये बात विशाखा को पता चला, तो विशाखा को भी अफसोस हो गया, देखो बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए जाते हैं, बुद्ध की सेवा करने के लिए जाते हैं, फिर भी समझ में नहीं आया, देखो ऐसे दारू पी के ऐसा हो रहा है, इससे तो मेरा भी बदनाम हो सकता है, दूसरे लोगों को पता चला तो देखो देखो बुद्ध के पास जाने वाले सभी ऐसे दारू पी के धिंगाना कर रहे, ऐसे दारू नशा करके ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे गा रहे, झूम रहे, ऐसा बोलेंगे ये अच्छी बात नहीं, इससे दोष हो सकता है, कोई लोग दोषारोपण कर सकते हैं। तो ऐसा सोच के विशाखा उन लोगों को जाके बोलती है, अरे जो चीज़ हमें करना ही नहीं चाहिए ऐसा तुम लोगों ने
किया, ऐसा दारू नशा पिया, ये अच्छी बात नहीं है। अभी क्या करोगे? इससे तो खुद का भी बुरा होगा, घर में भी बुरा होगा। जैसे तुम लोगों के पतियों को पता चला तो क्या होगा? शाबाशी थोड़ी ना देंगे। अब ऐसा करो, दारू पी के ऐसे ही रहना ठीक नहीं, जाओ अपने अपने घर में जाके आराम करो। ठीक है, सब लोग नशे में अपने अपने घर में गए। घर में गए तो वही डर, वही भय, पति आएंगे काम से, फिर पता चला दारू पिया तो क्या करेंगे? फिर सब डर के मारे अपने अपने घर में शांति से बैठा रहा और ये नाटक करता रहा कि हम बीमार है, बीमार है करके गुपचुप शांत एक जगह बैठा रहा। पर उनके पतियों को तो पता है दारू का स्मेल है ना, दारू का वो वास कैसा रहता है, पता रहता है। हाँ, आते ही पता चला, पता चलते ही उन लोगों ने भी खूब मारा। हाँ, इतने अच्छा हो करके बुद्ध के पास भेजा और ऐसा दारू नशा पी के आया करके बहुत पीता। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर वो लोग फिर से वही विशाखा के पास जाके वही चलता रहा, पर किसी के मन में भी धम्म जागरण नहीं हो रहा था, चलता रहा। फिर से ऐसे उत्सव आ गया, फिर से ही 7 दिन का ऐसे उत्सव आ गया और फिर से उन लोगों ने घर में सब सेवा किया। वो खा पी के देखते उन लोगों के मन में भी वही लालसा आ गया, लास्ट टाइम दारू नशा पिया बहुत मजा आया, इस बार भी पीना है। उस बार भी 500 लोगों ने सलाह किया कि हम पियेंगे पहले जैसे ही विशाखा को बोल के वैसा पियेंगे। हाँ ठीक है, विशाखा के पास गई, सब लोग जाके पूछने लगे कि हम बगीचे में घूम के आएंगे, हम ही घूम के आएंगे। विशाखा को पता था पहले भी ऐसा ही हुआ था, इसी तरह दारू पिया था, अभी भी उत्सव खत्म हुआ ये लोग ऐसा ही करेंगे। तो विशाखा उपास के ने नहीं 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 आप लोगों को ही नहीं जाना, रुको, किसी को जाने ही नहीं दिया। जाने नहीं दिया तो क्या करे? उन लोगों का जो प्लान बन रहा था, योजना बन रहा था, वो तो सफल नहीं हुआ। छुपा के लाए हैं, दारू नशा पीना है, पर पियेंगे कैसे? बगीचे में जाने नहीं दे रहे। फिर सबने सलाह किया, विशाखा उपास का बगीचे में जाने नहीं दे रहे, भगवान बुद्ध के पास जाएंगे बोलेंगे तो अवश्य जाने देगा, चलो हम भगवान बुद्ध के पास जाएंगे करके फिर वहीं हम प्लान करेंगे। ठीक है करके विशाखा उपास के पास गई, सब लोग जाके कहने लगे कि हम बुद्ध के उपदेश सुनना चाहते हैं, हमें बुद्ध के पास लेके जाइए। अब विशाखा उपास का जो 7 साल के उम्र में, छोटी सी उम्र में ही बुद्ध का उपदेश सुन के श्रोतापति फल में पहुंच चुके थे और कोई धम्म सुनना चाहे तो उसको बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी हुआ, चलो चलो अभी जाएंगे करके सबको लेके गया। 500 को लेके जाके वहाँ भगवान बुद्ध को धम्मदेशना है ना, बुद्ध की धम्मदेशना सुनने के लिए वहाँ बैठा रहा। और सब लोग हम थोड़ी देर में आएंगे करके सब लोग एक कोने में गए, बिहार के कोने में, और कोने में जाके सबने जो दारू है वो पी के आ गया। हाँ, सब ऐसे जा के पी के वहाँ फिर से बैठने आ गया, शांति से बैठने आ गया ताकि विशाखा को पता न चले। जैसे ही तथागत बुद्ध आके वहाँ धम्म देशना देने के लिए आए तो वो समय में अभी दारू पी के थोड़ा समय हो गया ना, सबका ये शरीर गर्म होने लगा, सबको वो नशा लगने लगा, शरीर कामने लगा, फिर कंट्रोल ही नहीं हुआ, संयमित ही नहीं हुआ। सब लोग उठ के कोई गाने लगा, कोई नाचने लगा, कोई चिल्लाने लगा, कोई क्या करने लगा, कोई क्या करने लगा, सब लोग होश ही नहीं है दारू के नशे में। सब लोग उठ के चिल्ला रहे, गा रहे, नाच रहे, बजा रहे, टिंगाना कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सब होश ही नहीं। सामने स्वयं तथागत बुद्ध बैठे हैं और वो लोग ऐसे उपदेश सुनने के तम महल में बैठे हैं, पर सब लोग ऐसे करने लगे। तो ये चीज देख के विशाखा उपासक को बुरा तो लगा ही,
पर तथागत बुद्ध ने अभी उन लोगों को समझाना भी है ना, नशे में है उन लोगों को कैसे समझाऊं। फिर तथागत बुद्ध ने अपने रिद्धि शक्ति से वहां पूरा अंधकार फैला दिया, ऐसे अंधकार फैला दिया कि वहां एक दूसरे को भी दिखाई नहीं देता, इतना डरावना इतना भय, सब अभी डर से भय से कांपने लगा, ये क्या हो गया ये क्या हो गया, इतना भयभीत होने लगा, इतना डर त्रास होने लगा कि इतना थर 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 कांपने लगा, और इतना थर थर कांपने के बाद जो नशा था वो भी उतर गया, सब में अंदर से डर त्रास होने लगा। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध ने उन लोगों की हालत को देखते हुए फिर दूर से ही मतलब ऐसे प्रकाश, एकदम प्रकाश वहां फैला दिया, जैसे कि एक ही बार में हजार चंद्रमा होने के बाद कितना शीतल और ज्वलमान प्रकाश होता है ना, वैसा प्रकाश फैला दिया। वैसे प्रकाश फैलाने के बाद फिर तथागत बुद्ध उन लोगों को कहते हैं कि चारों ओर इतना आग जल रहा है फिर भी कैसे आनंदित होते हो, कैसे हंसते हो, चारों ओर तो अंधेरा ही अंधेरा है, उजाले की तरफ क्यों नहीं जाते हो, ऐसा कहते हुए तथागत बुद्ध एक पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। गौतम पद अथ कथा के ये जरा वग में वो तथागत बुद्ध के गाथा इस तरह भी आते हैं। कोनो हासो की मानंदो ने चंप जलिते सती अंधकारे नो नदा पदी पन्नं गवे सता। कोनु हासो किमानंदो निचं पज्जलिते सदा, ये नित्य रूप से हर पल हर क्षण जली रहा है, चारों ओर जल रहा है, जरा जीर्ण रूपी आग जल रहा है, न चाहते हुए भी हमारा आयु जल रहा है, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, न चाहते हुए भी हमारा शरीर का स्वस्थ जल रहा है, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ जा रहे, चारों ओर ऐसे जल रहा है फिर भी हंस रहे हो, फिर भी आनंदित होते हो, चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, अंधकार ही अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, अविद्या का अंधकार है, क्लेश का अंधकार है, सारे ओर राग में द्वेष में मोह में ऐसे मतलब तृष्णा में बह जा रहे, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी अच्छे बुरे का पहचान भी नहीं कर पाता, वो बुरे से दूर रहना अच्छे में आगे बढ़ने तो दूर की बात है, ऐसे अंधकार हो रहा है, जैसे अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता मगर थोड़ा भी वहां उजाला हुआ, थोड़ा भी वहां प्रकाश पड़ा तो दिखाई देता है ना, अरे यहाँ ये है वहां ये है, यहाँ रास्ता है वहां भीड़ है, वहां जंगल है, सब दिखाई देता है। तो वैसे ही ऐसे अंधकार में जीवन हो रहा है फिर भी प्रकाश की तरफ क्यों नहीं जाते, प्रकाश को क्यों नहीं ढूंढते, इस तरह से तथागत बुद्ध उन सभी को समझा के उपदेश देते हैं। पहले तो 500 के 500 वहां उपासिकाएं दारू नशा पी के एकदम अनियंत्रित होके गा रहा था, झूम रहा था नशे में, ये जो मन में आए वही कर रहा था। फिर तथागत बुद्ध ने अंधकार फैला दिया तो नशे उतर गया, डर त्रास से कांपने लगा, फिर लाइट आया तो ध्यान से देखने लगा, फिर बुद्ध का उपदेश एकदम ध्यान से सुनने लगा। फिर तथागत बुद्ध के ये उपदेश सुनते हुए उन लोगों ने भी महसूस किया कि हाँ जीवन में इतना आग जल रहा है तो हम किस बात पर हंस रहे, किस बात पे आनंदित हो रहे, चारों ओर तो अंधकार ही है, कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब अच्छे बुरे का पहचान नहीं, अच्छे में आगे नहीं बढ़ सकता, बुरे से दूर नहीं हो सकता, ऐसे जीवन में
उजाले की तरफ तो जाना चाहिए, उजाला तो ढूंढना चाहिए। सब ने अच्छे से बुद्ध का उपदेश सुन के महसूस किया, अंदर तक तम का अनुभूति करते हुए धर्म चक्षु बोध किया। 500 के 500 लोगों ने दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल श्रोता प्रतिफल प्राप्त किया। हाँ, श्रोता प्रतिफल प्राप्त करने के बाद फिर विशाखा उपासिकाएं उपासिका बुद्ध के पास जाके क्षमा मांग के ऐसा ऐसा हुआ करके बोले, तो बुद्ध भी हाँ उन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा बोलते। फिर वो विशाखा कहते कि इतने अच्छे लोग इतने धर्म सभा में प्रवचन सुनने के जगह पे ऐसा ऐसा करते हैं, ये क्यों, ये कैसे ऐसे हो गया। तथागत बुद्ध समझाते हैं, दुनिया में जो जो नशा करते हैं, जो जो दारू पीते हैं, उन लोगों का हालत ऐसा ही होता है। अपने आप में संयमित नहीं हो सकता, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो अच्छे में आगे भी नहीं बढ़ सकता, बुरे से दूर भी नहीं हो सकता, ये सब दारू नशा पता की वजह से है। इसलिए ऐसे दारू नशा पता सेवन नहीं करना चाहिए करके तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। हाँ, तो इसलिए उपासक उपासिकाएं, हमारे जीवन में भी हर पल हर क्षण जल रहा है, हम भी जल रहे हैं, हमारा आयु भी जल रहा है, हमारा स्वास्थ्य भी जल रहा है, हम मृत्यु की तरह पाक रहे हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, सजग होना चाहिए। चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैल रहा है, हम जो देख रहे हैं उससे अच्छे बुरे का पहचान नहीं हो रहा है, पाप धम्म नहीं समझ में आ रहा है, कुशल अकुशल नहीं जान पा रहा है, तो अंधकार ही है ना। तो ऐसे अंधकार में ज्ञान का प्रदीप चाहिए, प्रज्ञा का प्रदीप चाहिए, ताकि अच्छे बुरे का पहचान हो, कुशल अकुशल पाप धम्म का पहचान हो, और गलत चीज़ों से दूर रह के अच्छे मार्ग पे आगे बढ़ सके और ये जीवन को अच्छा बना सके। तो हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब अच्छे बुरे का पहचान हो, कुशल अकुशल पाप धम्म का पहचान हो, और जितने भी अकुशल पाप है उससे दूर हो के कुशल पुण्य कार्य में निरंतर आगे बढ़ सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतो सब मंगलं। साधो 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 साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।